पर मॉनिटरिंग इंस्पेक्शन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बहुत बहुत बेहतर ढंग से होता है। इतनी देर से आप समझा रहे, बहुत अच्छी बात बताऊंगा। आप सरकारी प्राइवेट तुलना करो, किसी चैनल पे मैंने आपको टोका था, जो आपके पास बच्चे आते हैं वो किस स्तर के आते हैं, और जो परिषदीय विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश से बच्चे आते हैं, उन दोनों के स्तर में जमीन आसमान का अंतर आप क्या बात करते हैं? आप बार बार कह रहे हैं उनका स्तर अच्छा बना लेंगे, अपनी हमारी क्वालिटी है। हमारे यहाँ गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, हम उसको अच्छा बना ले रहे हैं, ये हम लोगों की क्वालिटी है। आप लोग हमेशा एक ही क्वेश्चन, हमेशा सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों में हमेशा क्वेश्चन आता है कि हमारे पास गरीब, हमारे पास कमजोर, हमारे पास निचला तबका, ऐसा नहीं होता। हमें मानना, हम एक्चुअली में अपने स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट नहीं करना चाह रहे, केवल क्लेम गेम करते हैं। आप कार्यक्रम की बात करें, अरे कार्यक्रम तो बहुत अच्छी चीज है, विद्यालय जो सुधर रहा है, विद्यालय की मनोदशा सुधर रही है। आप तुलना करते हो प्राइवेट और सरकारी की, आप देखिए ग्रामीण प्रदेश में कितने गरीब बच्चे, कोई वहाँ पे उनका बच्चा है, कोई खेत में मजदूरी करता उनका बच्चा है, किसी को घर में खाने का उनका बच्चा है, उसकी तुलना प्राइवेट में करते हो। हम कैसे बैठा दिए दोनों को? हम लोगों के अभी रिक्शे वाले के बच्चे पढ़ते हैं, बैटरी रिक्शा चलाते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, हमारे जो ग्रुप के कर्मचारी हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। आप उनका स्टैंडर्ड देखिए ना, उन बच्चों का एडमिशन नहीं ले पा रहे, 25% बच्चों का एडमिशन नहीं ले पा रहे, क्योंकि नहीं मिले सरकार से। अरे सर, अरे आप लोगों के खाली कह देने से नहीं होती चीजें, आप विनय जी केवल कह दोगे, ग्राउंड पर आप उस चीज को आके देखिए ना। मैं तो कहता हूँ आप मेरे विद्यालय में आ जाइए, मैं आपको ओपन ऑफर देता हूँ, नेशनल चैनल पे आप आइए और आप देखिए, बच्चे की बैकग्राउंड देखिए और उसके अंदर का चेंजेस देखिए, फिर आप देखिएगा। ग्रामीण परिवेश की गलत बात है, जिनको सर पे पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, वो बच्चे आते हैं ग्रामीण परिवेश में, उनकी तुलना प्राइवेट से। चलिए अब आप लोग किसी आरोप की आरोप चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन हाँ इससे कुछ हल निकल जाए तो बहुत बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आप लोग।